क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा, अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल, पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के द्वारा 13वां दिन भी जारी रहा भागलपुर मांगे एयरपोर्ट भागलपुर मांगे हवाई जहाज। आज भागलपुर सांसद अजय मंडल पहुंचे प्रदर्शन स्थल, कहा जल्द भागलपुर से होगा हवाई सेवा प्रारंभ। भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के द्वारा आज 13वां दिन भी भागलपुर मांगे एयरपोर्ट भागलपुर मांगे हवाई जहाज का नारा गूंजता रहा। भागलपुर से हवाई सेवा चालू हो इसको लेकर मुहिम अब तेज हो गई। आज दीप नारायण घंटाघर चौक पर भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रखा है। धरना प्रदर्शन में हस्ताक्षर अभियान, कैंडल मार्च, मशाल जुलूस, गीत संगीत, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से लोगों से अपील भी की जा रही है कि इस संस्थान से जुड़कर हवाई सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन और सरकार से जोरदार अपील करें। आज भागलपुर के सांसद अजय मंडल प्रदर्शन में शिरकत किए और उन्होंने उम्मीद दिलाई कि मैं इस बात को आगे तक पहुंचाऊंगा और उम्मीद है कि जल्द भागलपुर से लोग हवाई सेवा का आनंद ले सकेंगे। सांसद ने कहा कि अगर हवाई जहाज भागलपुर से उड़ेगा तो मेरे नाम से उड़ेगा। प्रदर्शनकारियों से सांसद ने अनुरोध किया कि ये प्रदर्शन बंद किया जाए और भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों को लेकर मैं इस बातों को आगे रखूंगा। वहीं भागलपुर एयरपोर्ट सेवा समिति के संयोजक कमल जायसवाल और सह संयोजक डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा के अलावा दर्जनों वरिष्ठ समाज सेवी, चिकित्सक, शिक्षाविद, समर्थकों ने कहा जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं तोड़ेंगे, ये निरंतर चलता रहेगा। भागलपुर का जो हवाई सेवा शुरू करने के लिए बिड भी किए गए हैं, 3 बार बिडिंग हुई है, कोई अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है 20-25 सीटर वाला खोलने में, लेकिन हम लगे हैं कि पहले यह चालू हो उसके बाद। आपको याद होगा एक बार का यहाँ पर पहले जो विधायक रहते थे वो कहते कि हवाई सेवा मेरे सीने से ऊपर से चढ़ के उड़ेगा और शहरवार की चादर को जाना, तो आज वो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं कर पा रहे, ऐसी बात नहीं है। हवाई सेवा का यहाँ विरोध हुआ है कभी काफी, लेकिन आप चिंता न करें, हम लोग आवाज आपकी बने हैं सदन में, लोकसभा में अजय जी बने और हम भी उद्योग मंत्री से मिलकर हवाई सेवा शुरू काम करेंगे। अगर आपकी शक्ति मिलती रही निश्चित तौर पर भागलपुर से हवाई सेवा और उपराजधानी बन करेगा। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर शराब पीते हुए सन्हौला राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र भारती का फोटो खूब हो रहा वायरल। सन्हौला एक तरफ सरकार जहां शराबबंदी को लेकर तरह तरह की योजनाएं ला रही है, विधानसभा में विधेयक पास हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी का बिहार में शराब पीते हुए तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मालूम हो कि ये वायरल तस्वीर भागलपुर जिले के सन्हौला प्रखंड के अंतर्गत अंचल सहभूमि राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार भारती और उनके ड्राइवर सन्हौला का है, जिनका शराब पीते हुए फोटो वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में ब्लू शर्ट और जीन्स पहने वीरेंद्र लाल भारती हैं और वही सफेद शर्ट और गमछे से मुंह छिपाए उनका ड्राइवर है। जहां एक तरफ सरकार अपने कर्मचारी और आम जनता को शराब पीने से मना कर रही है तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी ही अपने सिस्टम के ऊपर जोरदार तमाचा लगा रहे हैं। इस तरह की तस्वीर वायरल होने पर स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये बिहार सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी। अब देखना यह है कि बिहार सरकार की नीति अपने ही सरकारी कर्मचारी पर कैसे चलती है, इसको बचाती है या फिर इस पर कार्रवाई की जाती है। वायरल फोटो की पुष्टि हमारे संवाददाता व चैनल नहीं करते हैं। मंचले युवक की बीच सड़क पर लोगों ने जमकर कर दी धुनाई। भागलपुर में बीच सड़क पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक लड़की ट्यूशन से पढ़ाई करके घर जा रही थी, तभी बीच रास्ते पर एक युवक ने उसे छेड़ दिया। उसके बाद क्या था, फिर रास्ते से जाने वाले हर कोई उसकी जमकर पिटाई करता नजर आ रहा था। दरअसल जिले में मंचलों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने बच्चे के साथ घर जा रही एक युवती के साथ मंचलों ने भागलपुर के कचहरी चौक पर छेड़खानी करना शुरू कर दी। इन मंचले युवकों को ना तो पुलिस का डर था और ना ही रास्ते से गुजर रहे लोगों का, लेकिन जो हुआ इसका अंदाजा इस युवक को भी नहीं रहा होगा।
हिम्मत दिखाकर लड़की ने आवाज लगाई। उसके बाद फिर क्या था, रास्ते से आ जा रहे लोग उसे पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। भागलपुर जिले की पुलिस भले ही महिलाओं के साथ छेड़खानी का अपराध कम होने के लाख दावे कर ले, लेकिन मनचले अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में मनचलों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, जिससे वो आगे ऐसी घटनाएं न कर सके। लड़की बच्चे को छेड़ता है, दारू पिया हुआ है, क्या किए हुए, कुछ नहीं किया, रोके का है लड़की को, रोके का है बच्ची को, रोक करके डिस्टर्ब किया, दारू पी रही बाबू, तुमने नवगछिया के जीरो माइल में सस्ता बाजार का भव्य उद्घाटन। एक छत के नीचे घरेलू सभी सामान है उपलब्ध, होम डिलीवरी के साथ। नवगछिया के जीरो माइल में स्थित फूड प्लाजा के समीप सस्ता बाजार का भव्य उद्घाटन। नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार द्वारा नारियल फोड़ व फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के मौके पर फूड प्लाजा के संचालक संतोष सिंह द्वारा माला पहनाकर अंग वस्त्र व बुके देकर उद्घाटनकर्ता का भव्य स्वागत किया गया। वहीं मौके पर फूड प्लाजा एवं सोना मैरिज गार्डन के संचालक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि नवगछिया बाजार जाने में काफी वक्त लगता था, आए दिन हमेशा जाम रहने के कारण गाड़ी में भी स्क्रैच लगने की प्रबल संभावना रहती थी, हमेशा जाम रहने के कारण बाजार जाने में घंटों लगता था। इसको देखते हुए क्षेत्रवासियों की मांग पर नवगछिया के जीरो माइल फूड प्लाजा के समीप सस्ता बाजार मिनी ग्रोसरी मॉल खोला गया है, जहां एक छत के नीचे घरेलू सभी सामान उपलब्ध हैं। वहीं वर्तमान में 10% ऑफर दिया जा रहा है, ग्राहक अपने पसंद के घरेलू सामान अपने बजट के अनुसार खरीद सकते हैं एवं 20 किलोमीटर तक फ्री डिलीवरी का लाभ ले सकते हैं। वहीं उद्घाटन के मौके पर संचालक के परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। उद्घाटन के बाद संध्या में नवगछिया शहर के कई गण्यमान्य सस्ता बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने खरीदारी भी की एवं एक नए रूप में नवगछिया को आगे बढ़ाने हेतु सबों ने संतोष कुमार को धन्यवाद एवं बधाई दी। ये अपने आप में एक नई पहल है नवगछिया के लिए, जहां एक छत के नीचे किराना की सभी दुकानें हैं और फैशन की सारी सामान उपलब्ध हो जाएगी लोगों को, और अच्छे कंपनी का सामान मिलेगा। तो और संतोष जी का पुराना व्यवसाय है, यहीं पर होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो हम लोग को भी कभी ज़रूरत पड़ता है तो खाने पीने के लिए फैमिली के साथ आ जाते हैं, या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आ जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि ये और भी आगे बढ़ें, फले फूले, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं, और इस तरह के जो व्यवसाय बढ़ेंगे नवगछिया में तो और भी लोग प्रेरित होंगे और अच्छे अच्छे सुविधा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी नवयुवक जो बेरोजगार हैं इस टाइप के क्षेत्र में आकर के रोजगार सृजन करेंगे और अच्छा कमाई वगैरह कर सकते हैं, लोगों को अच्छा सुविधा दे सकते हैं। तो ये सेवा क्षेत्र है जिसमें मेरा मानना है कि इनके तरफ से लोगों को अच्छा सेवा प्रदान किया जाएगा, और इनकी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, शुभकामना देते हैं। सर नमस्कार, एक्चुअली मार्केट जाने में ना जाम का समस्या लगा रहा था मुझको खुद, और हम देखे कि जब गाड़ी नहीं जा सकती है प्लस स्क्रेच लग जाता है और लोग को गाड़ी लगाने में असुविधा हो रही है, तो सोचे कि होटल है ही फूड प्लाजा, तो उसके साथ एक किराने का सभी तरह का सामान एक ही जगह लगा देंगे तो लोग को ये सुविधा होगा कि वो अपना बिना गाड़ी का जाम लगे हुए वो यहाँ आके, पार्किंग की बेहतरीन सुविधा है, 100 गाड़ी आप लगा सकते हैं, और उससे अपना जितना भी लोकल का इस दर का 20 किलोमीटर तक होम डिलीवरी फ्री भी है, वहाँ के भी लोग आके सामान ले सकते हैं। सोच ये था कि हम खुद अपने होटल का सामान करीब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाज़ार से लाते थे, तो इसलिए सोचे अपना भी खोल लेते हैं, साथ में यहाँ के जो दूर दराज के लोग हैं वो भी इसका लाभ ले लेंगे और सस्ते दरों पे हम उनको देने का कोशिश करेंगे। ऐसा मॉल ये नवगछिया सब डिवीज़न में
बहुत ही सुंदर ये मॉल बना है और एक ही छत के नीचे सब कुछ सब सामान उपलब्ध होगा और सस्ता मिलेगा। इससे यहाँ के लोग गरीब अमीर सब आके यहाँ एक ही छत के नीचे सारा सामान को ले सकते हैं और लेंगे, आगे बढ़ेगा ये। इस जगह ऐसा इस देहात में ऐसा नहीं था और ये बहुत सुंदर संतोष जी का सोच है और संतोष जी दिन दुना रात चौगुना ही बढ़ें और ये मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और समाज के को इज्जत प्रतिष्ठा भी देते हैं, जिससे कि इनका आगे बढ़ने का सोच जो है वो आगे बढ़ेगा और हर हाल में आगे बढ़ेगा। हमारा बहुत बहुत पहले तो बधाई है कि ये सस्ता बाज़ार इस जगह पे बहुत ही ज़रूरत था और इन्होंने संतोष जी का जो सोच है और ये कर्मठ आदमी है, पहले से भी ये हर बिंदु पर धीरे धीरे हर प्रोजेक्ट को अपने मुकाम तक ही पहुँचाते हैं। हमारी शुभकामनाएँ हैं संतोष जी इस सस्ता बाज़ार को जो है बढ़िया से चलावे और इसमें जो भी इनको करना पड़े तो अनलिमिटेड है, जितना मेल करेंगे जितना बढ़ाएंगे उतना इनका जो है बाज़ार डेवलप करेगा। नहीं नहीं, आज के डेट में जो है हर जगह इस टाइप का ही लोग दुकान पसंद करते हैं कि एक ही छत के नीचे हमारा सारा सामान मिल जाए। सबसे बड़ी बात है यहाँ हर टाइप का हर चीज़, हर सामग्री, खाने का, पीने का सामान लेने का, मसाला हो, चाय हो, हर प्रोडक्ट इनके यहाँ, चावल हो, हर चीज़ एक ही जगह मिल जाएगा। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी लोगों को, एक छत के बगैर सारा सामान लिए और चल दिए। प्लस इनके साथ है क्या, ये डोर डिलीवरी भी दे रहे हैं लोगों को, सामान लिया और सामान भिजवाने की जिम्मेदारी इनकी है और प्लस छूट भी दे रहे हैं। तो सस्ता बाज़ार नाम है और सस्ता भी दे भी रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि यहाँ लोग आएंगे भी। आज सुबह से भी जो देखा मैंने, काफ़ी भीड़ था, अब भी जाके कुछ लग रहा है हल्का, सुबह से बेचारे परेशान थे, काफ़ी भीड़ था। तो नए हैं, रिजल्ट इनको मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसका यहाँ ज़रूरत था और जगह पे हैं। आते जाते लोगों को भी फायदा होगा, अगल बगल जो गांव देहात के लोग हैं इंटीरियर में जो हैं, लोग बाज़ार नहीं जाके लोग यहीं आएंगे, तो इनको तो प्लस पॉइंट है, इनको निश्चित रूप से जो है इनको यहां पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट। अज्ञात अपराधियों ने ड्राइवर खलासी को बंधक बनाकर टैंक लॉरी से गायब किया 24,000 लीटर डीजल। खगड़िया और नारायणपुर की सीमा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात अपराधियों ने एक डीजल भरी टैंक लॉरी के चालक और खलासी को बंधक बनाकर टैंक लॉरी से 24,000 लीटर गायब कर दिया। मामले में टैंक लॉरी के चालक बेगूसराय के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के मुशादपुर निवासी चालक ललित कुमार ने भवानीपुर ओपी में आवेदन देकर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। ललित का कहना है कि 1 अप्रैल की शाम में वह बरौनी बीपीसीएल से टैंक लॉरी में 24,000 लीटर डीजल लेकर सुल्तानिया पेट्रोल पंप कपसिया से कटिहार रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ था। नारायणपुर भगवानपुर पेट्रोल पंप के आसपास एक 4-चक्का वाहन से अपराधी ने उसे ओवरटेक किया और टैंक लॉरी को रुकवाकर हथियार के बल पर टैंक लॉरी में सवार हो गया। चालक ने बताया कि वह और उसका खलासी जब तक कुछ समझ पाते तब तक 4 अपराधी ने वाहन को कब्जे में ले लिया और उन दोनों के आंखों में पट्टी बांधकर टैंक लॉरी के केबिन के नीचे लिटा दिया और टैंक लॉरी को अज्ञात दिशा की ओर बढ़ाने लगा। इस दौरान अपराधी ने मोबाइल भी छीन लिया। चालक ने बताया कि 2 अप्रैल की सुबह सभी अपराधी टैंक लॉरी को छोड़कर भाग गए। जब उसने आंखों की पट्टी और बंधन खोलकर देखा तो एक सुनसान जगह थी, फिर उसने खलासी को भी बंधन से मुक्त किया। चालक का कहना था कि उसे जगह के बारे में कुछ नहीं पता चला तो उसने टैंक लॉरी को आगे बढ़ाना शुरू किया और एक पेट्रोल पंप के पास टैंक लॉरी को खड़ा किया तो पता चला कि वे लोग हसडिया में है। वहीं पर उसको पता चला कि उसकी टैंक लॉरी पूरी तरह से खाली है, 24,000 लीटर डीजल गायब है। पेट्रोल पंप पर ही किसी दूसरे चालक से मोबाइल लिया और टैंक लॉरी मालिक को घटना की सूचना दी। फिर टैंक लॉरी के मालिक की सूचना पर हसडिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और भवानीपुर नारायणपुर ओपी थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही, जिसके बाद वे लोग नारायणपुर पहुंचे। इधर भवानीपुर ओपी पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। घटना की पुष्टि थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने करते हुए बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। टोल टैक्स पर सीसीटीवी फुटेज के सहारे छानबीन कर रही है।
नवगछिया के वैशाली चौक पर भाकपा माले ने आयोजित किया प्रतिवाद प्रदर्शन। भाकपा माले ने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत नवगछिया वैशाली चौक पर प्रतिवाद प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव मिंदेश्वरी मंडल ने कहा कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन भाकपा कोटे से अध्यक्ष बने विजय सिन्हा ने माले विधायकों के मार्शल आउट के जरिए एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव गौरीशंकर राय ने कहा कि नीतीश कुमार क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस का दावा करते नहीं आधाते, लेकिन आज पूरा बिहार पुलिस व सामंती अपराधियों के आतंक से करा रहा है। कार्यक्रम में भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय, जिला कमेटी सदस्य रेणु देवी, प्रखंड कमेटी सदस्य रवि मिश्र, राधे श्याम रजक, बालेश्वर ठाकुर, दशरथ सिंह, बिलास सिंह, रणधीर राय, श्रीकांत मंडल, महिला चौधरी सहित दर्जनों महिला व पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। नवगछिया के श्रीपुर में भाजपा जदयू नेताओं ने मैट्रिक की परीक्षा में जिला टॉपर अंशु को किया सम्मानित। मैट्रिक परीक्षा की जिला टॉपर और राज्य में छठा स्थान प्राप्त करने वाली अंशु को भाजपा नेताओं ने श्रीपुर स्थित घर पर जाकर सम्मानित किया और उसे मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, जदयू जिला महासचिव पुष्पक कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती सहित कई अन्य मौके पर मौजूद थे। 158 मतदाता नौगछिया में एमएलसी चुनाव में करेंगे मतदान। एमएलसी चुनाव में नौगछिया प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर 158 मतदाता मतदान में भाग लेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 81, महिला मतदाता 77, मुखिया 10, पंचायत समिति सदस्य 14, वार्ड सदस्य 133, जिला परिषद सदस्य 1 द्वारा मतदान किया जाएगा। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। थानाध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि मतदान केंद्र पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। रंगरा में एमएलसी चुनाव में 141 मतदाता करेंगे मतदान। एमएलसी चुनाव में रंगरा प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर 141 मतदाता मतदान में भाग लेंगे, जिनमें पुरुष मतदाता 72, महिला मतदाता 69, मुखिया 10, पंचायत समिति सदस्य 12, वार्ड सदस्य 118, जिला परिषद सदस्य 1, एमएलसी 1 के द्वारा मतदान किया जाएगा। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। शराब पीकर हंगामा कर रहे शराबी को गनौल से पुलिस ने किया गिरफ्तार। भवानीपुर थाना क्षेत्र के गनौल गांव से शराब के नशे में हंगामा कर रहे शराबी गनौल निवासी राजकुमार सहनी को सहायक अवर निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने पुलिस बलों की मदद से गिरफ्तार किया। उक्त जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि गिरफ्तार शराबी देसी शराब का कारोबार में संलिप्त था। पूर्व में उसकी पत्नी काला देवी एवं पुत्र मृत्युंजय कुमार को देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने पर बधाई। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय स्टेडियम में 1 अप्रैल से चल रहे सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की पुरुष टीम सेमीफाइनल में हरियाणा से 21-13 से पराजित होकर तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक हासिल किया। बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय सहित भागलपुर जिला कबड्डी संघ के सचिव गौतम कुमार प्रीतम ने जानकारी देते हुए टीम को बधाई मुबारकबाद दी है। जाह्नवी चौक के पास हुए सड़क हादसे में एक घायल। नौगछिया के जाह्नवी चौक के पास एक अज्ञात वाहन के धक्के से छर्रापट्टी निवासी सिकंदर शर्मा घायल हो गए, जबकि एक दूसरे सड़क हादसे में नौगछिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस स्टैंड के पास एक अज्ञात वाहन के धक्के से खगड़िया निवासी कार्य पंडित की पत्नी संजू देवी घायल हो गई। रविवार को दोनों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। नौगछिया के नया टोला में मारपीट, 2 महिलाएं सहित 4 घायल। नौगछिया के नया टोला में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 4 लोगों के घायल हो जाने की सूचना है। घायलों में सिमरन देवी, सकल देव मलिक, किरण देवी और संजय मलिक है। सबों का इलाज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। मामला पुलिस के संज्ञान में है। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड के कालूचक कॉलोनी नगर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन। श्रीमद् भागवत कथा से मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है, कथा अमृत के समान होता है, यह बात गोपालपुर प्रखंड के कालूचक कॉलोनी नगर चैत्र नवरात्रि के मौके पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पुराण के 10 दिवसीय महाकथा यज्ञ के मौके पर
पटना के समदर्शी बाबा बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भागवत एक ऐसी पुराण कथा है जिसमें खुद राजा परीक्षित को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें सुनना पड़ा है। भागवत में भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ने जिस तरह से अपने भक्तों को उद्धार किया है, राक्षसों दैत्यों को संहार किया है, इसमें जीवन जीने की कला को बताया गया है। इस कथा के मौके पर स्थानीय पंचायत समिति के द्वारा समदर्शी बाबा को सम्मानित किया गया एवं स्थानीय लोगों के द्वारा इस कथा में पूर्ण सहयोग देने की बातें कही। इश्तेहार चिपकाने पहुंची जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। नौगछिया के जीआरपी थाना कांड संख्या 10-12 के आरोपी खगड़िया जिले के पसराहा बंदेरा निवासी जीतू कुमार उर्फ जितेंद्र चौरसिया एवं रामकृष्ण सिंह के नौगछिया जीआरपी के एसआई अमरेंद्र कुमार सिंह अपने दलबल के साथ इश्तेहार चिपकाने पहुंचे थे। वहां जीतू उर्फ जितेंद्र चौरसिया को मौके पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रामकृष्ण सिंह के घर पर इश्तेहार को चिपकाया गया। जीआरपी थानाधीश प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि इन दोनों आरोपी के ऊपर चोरी का मामला दर्ज है, जिसको लेकर खगड़िया रेल न्यायालय से इश्तेहार जारी किया गया था। एएसआई अमरिंदर सिंह के द्वारा इश्तेहार चिपकाया गया। इसके अलावा अगर वह समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी।